गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू लेक्चर ऑफ एग्रो इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज द वेदर एंड व्हाट इज क्लाइमेट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. इन हिंदी, हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं कि मौसम और जलवायु क्या है. तो सिंपल वर्ड में अगर देखा जाए, जो हम खिड़की से बाहर देखते हैं, व्हाट वी सॉ बियॉन्ड अवर विंडो, दैट इज नोन एज वेदर. वेदर मीन्स इंस्टेंटेनियस कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर. इन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो एबव द अर्थ सरफेस की पढ़ाई करते हैं. एटमॉस्फेयर के कंडीशन के बारे में हम जानते हैं इसमें कि किस तरह का हमारा एटमॉस्फेयरिक कंडीशन में टेम्परेचर कैसा रहेगा, प्रेशर कैसा रहेगा, रेनफॉल कैसा रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें विस्तृत से जानकारी लेते हैं. और क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट एवरेज कंडीशन ऑफ वेदर. अगर हम जैसे रांची का क्लाइमेट अगर हम कहना चाहें तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा? हॉट एंड ह्यूमिड होगा, क्योंकि यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ह्यूमिडिटी भी है यहाँ पे, और मानसून टाइप के यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन है. तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन हम कैसे निकालते हैं? और लॉन्ग पीरियड ऑफ एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन. और डे टू डे वेदर कंडीशन अगर हम देखते हैं तो उसको हम लोग वेदर बोलते हैं. एटमॉस्फेरिक कंडीशन डे टू डे अगर हम स्टडी करते हैं देन इट इज नोन एज वेदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू स्टार्ट दैट लाइफ डिमांड्स फूड एंड प्रोडक्शन ऑफ फूड डिपेंड्स अपॉन द फोर फैक्टर. फर्स्ट इज द प्लांट एंड जेनेटिक मटेरियल, वेदर, सॉयल एंड वाटर. सो एमोंग ऑल दिस फोर थिंग्स वी कैन कंट्रोल द प्लांट जेनेटिक मटेरियल बाई एडॉप्टिंग ए वेरी इम्प्रूव वेराइटी, सॉयल बाई एमेल्योरेट और बाई एडिंग फर्टिलाइजर, वाटर सम हाउ वी कैन मैनेज वाटर ऑल्सो, बट वेदर इज ए मोर डिसीसिव रोल विच प्ले इन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज. एंड वी कांट कंट्रोल वेदर एमोंग दिस फोर फैक्टर्स. सो वेदर प्ले मोर डिसीसिव रोल इन एग्रीकल्चर. सो नाउ वॉट इज वेदर? वेदर इज फिजिकल स्टेट ऑफ एटमोसफेयर एट ए गिवन प्लेस एंड टाइम. हेयर टू थिंग्स आर देयर. फिजिकल स्टेट, फिजिकल मीन्स टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, देन प्रेशर, विंड स्पीड, दीज आर कॉल्ड द फिजिकल स्टेट ऑफ एटमोसफेयर. एंड द इंस्टेंटेनियस कंडीशन और शॉर्ट टर्म वेरिएशन ऑफ एटमोसफेयर. जब वेदर की बात करते हैं तो वेदर क्या होता है? जो शॉर्ट, अब जैसे हम खिड़की से बाहर अभी देख रहे हैं तो अभी कैसा दिख रहा है? सनी वेदर दिख रहा है, क्योंकि आसमान में पूरा खुला हुआ सूर्य है. हो सकता है कि मे बी कि अभी सनी वेदर है, लेकिन दोपहर के बाद हो सकता है कि क्लाउडी वेदर हो जाए. तो ये वेदर में वेरिएशन होता है अलग अलग. मीन्स इंस्टेंटेनियस कंडीशन क्या है अभी का? हो सकता है कि मे बी कि अभी सनी वेदर है तो सेकेंड हाफ में क्लाउडी वेदर हो जाए. बट क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट इज ए फिक्स एंटिटी. वो एक तरह का फिक्स्ड है जो कि लंबे समय तक एक ही तरह से चलता रहता है. सो वेदर इज द हाईली वेरिएबल. नाउ वेदर डिटरमाइंस क्या क्या ये बताता है? पीरियड ऑफ फार्मिंग ऑपरेशन, मोड एंड ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रिजर्वायर, स्टोरेज, हाउसिंग, किस तरह का हम हाउस रखेंगे, वेंटिलेटर रहना चाहिए, जैसे गर्मी के दिन में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, क्लॉथिंग, जैसे हम इसके समय समर के समय कॉटन पहनते हैं, विंटर में अगर जाते हैं तो उलेन हो जाता है हमारा, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, देन कंफर्ट एक्सेट्रा. सो वेदर डिटरमाइंस ऑल दिस फैक्टर्स. नाउ व्हाट इज मेट्रोलॉजी? दिस कोर्स इज द एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज. सो वॉट इज मेट्रोलॉजी? मेट्रोलॉजी इट डिराइव फ्रॉम ए वर्ड मेट्योरो. मेट्योरो मीन्स एबव द अर्थ सर्फेस एंड स्टडी द फिजिक्स ऑफ द एटमोसफियर और द फिजिकल स्टेट ऑफ द एटमोसफियर. सो वेदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट इन एग्रीकल्चर एज कम्पेयर टू द क्लाइमेट. सो वॉट इज मेट्रोलॉजी? मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द वेदर. स्टडी ऑफ द वेदर इज नोन एज मेट्रोलॉजी. नेक्स्ट इज द क्लाइमेट. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइमेट डिराइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड दैट इज क्लाइमा. क्लाइमा मीन्स इंक्लिनेशन एंड और स्लोप. अर्लियर द पीपल हैव ऑब्जर्व दैट द
on depending on the sun's angle, climate is varying with the place to place. So it is depends on the inclination of the sun angle. So it derived from the word clima, means inclination or slope. So long term regime of atmospheric variables or composite of day to day value of weather element over a long period for a given place or area. Here for in weather condition, we have studied about the short period and for a short area. But for climate climatology or in climate, we study about the long area and long long period of the time. So it is the it can also be called that the long period average of weather condition is known as climate. Now the period of averaging may be of several day, week, month, year or even a century. But when we say about the climatic normal, what is the difference between climatic normal and simple normal? When we say about the climatic normal, it is the average condition of weather for at least 30 years. If we compare the 30 years data according to IMD, India Meteorological Department, it is from 1961 to 1990. इस पीरियड को हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये क्लाइमेटिक नॉर्मल होता है फॉर पूरे कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए. उससे अगर कंपेयर करते हैं, उतने 30 इयर्स का अगर डेटा को हम कंबाइन करते हैं और उसके बाद अगर निकालते हैं, दैट इज नोन एज क्लाइमेटिक नॉर्मल फॉर ए पर्टिकुलर एरिया. जैसे रांची का, रांची का हम बताते हैं कि रेनफॉल है 1400 मिलीमीटर. ये 1400 मिलीमीटर कहाँ से आया? लास्ट 30 इयर्स का के रेनफॉल के डाटा को एवरेज करके फिर हम निकालते हैं और तब पाते हैं कि रांची का रेनफॉल जो है वो 1400 मिलीमीटर है. नाउ द क्लाइमेट डिटरमाइंस नेचुरल वेजिटेशन, किस जगह पे किस तरह का वेजिटेशन होगा. क्लाइमेट डिटरमाइंस नेचुरल वेजिटेशन, वाटर पोटेंशियल, suitability for human habitation and racial characters. Natural vegetation, like if you go to the Rajasthan, you can see the xerophytic plants, but if you go to the Bengal, rice crop are in majority. So in Bengal, three us Aman or Boro rice they cultivate because the rainfall is more and the low lying area is, it is situated in plain area. But in Rajasthan, where the rainfall is very less, low water requiring crop are grown there. Next is the water potential. Climate also determine the water potential for a particular area. कितनी बारिश कहाँ पे हो रही है और कितना हम उसमें reserve कर सकते हैं, इस चीज को climate determine करता है. Next is the suitability for human habitation. कोई जगह रहने लायक है या नहीं है उसको भी climate determine करता है. And racial characteristics, किस तरह का races कहाँ पे है, किस तरह की प्रजाति कहाँ पे पाई जाती है, उसको भी क्लाइमेट डिटरमाइन करता है. सो अब हम देख चुके हैं कि क्या दो चीज हुआ, एक वेदर एंड दूसरा क्लाइमेट. सो वेदर इज द फर्स्ट इज द इंस्टेंटेनियस कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन. ये दोनों में अंतर है. स्टडी ऑफ द वेदर इज नोन एज मेट्रोलॉजी एंड स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज नोन एज द क्लाइमेटोलॉजी. क्लाइमेटोलॉजी इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स. First is the microclimate. Microclimate is small scale meteorological condition within 2 to 3 km range is known as microclimate. In case of agriculture, we say the microclimate is from root zone to top of the crop canopy. So the physical condition prevailing within the crop canopy, including that of soil environment up to the maximum rooting zone, is known as a microclimate. Second is the mesoclimate. It concerned with the study of climate of relatively more area between 10 and 100 km across. And next is the macroclimate. Macroclimate is the physical condition of atmosphere over large area of the earth and with the large scale atmospheric motion that cause weather. It helps in the वेदर फोरकास्टिंग. जब वेदर फोरकास्टिंग की बात करेंगे तो किस तरह से माइक्रो क्लाइमेट हमारा वेदर फोरकास्ट को हेल्प करता है, वो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे.
सो मैक्रो क्लाइमेट ही मेजर रोल ऑफ है वेदर फोरकास्टिंग के लिए. नाउ द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी इन इंडिया. एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी इन इंडिया द मेट्रोलॉजी एस्टेब्लिश्ड इन द 1875 इन द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. फर्स्ट इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड इन 1875 एंड द हेडक्वार्टर ऑफ द IMD इज मौसम भवन न्यू दिल्ली. नेशनल डाटा सेंटर, बहुत बार लोग ऐसा कर देते हैं कि IMD का सेंटर जो है वो पुणे में है, बट पुणे इज द डाटा सेंटर, नेशनल डाटा सेंटर विच इज अटैच टू द IMD एंड इट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1977. नेक्स्ट इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM. इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन पुणे एंड ए डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी स्टार्टेड इन 1932 पुणे एंड इट बिकम ए परमानेंट डिपार्टमेंट ऑफ IMD इन 1943 एंड द डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी इनिशियली लेड बाय द डॉक्टर L.A. रामदास एंड विच इज नोन एज द फादर ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी इन इंडिया. नेक्स्ट इन ICR स्टार्टेड ए सेपरेट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रोमेट्रोलॉजी इन 1985 अंडर द ड्राईलैंड एंड अटैच टू द इट इज अटैच टू द क्रीडा लोकेटेड इन हैदराबाद. नाउअडेज 25 सेंटर आर अटैच विद द इक्विपाम सेंटर. नेक्स्ट इज द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. जब वेदर फोरकास्टिंग की बात आए तो अलग अलग रेंज का वेदर फोरकास्टिंग जैसे होता है, शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्ट, लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्ट, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट. बट अमॉन्ग ऑल थ्री वेदर फोरकास्टिंग मीडियम रेंज फोरकास्ट इज द मोर इम्पोर्टेंट. सो दे एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग NCMRWF एंड एग्रोमेट्रोलॉजी एडवाइजरी सर्विस. ये NCMRWF जो है उसी वही बेस करके जो जो भी हमारा वेदर फोरकास्ट रहता है उसे वेदर फोरकास्ट लेके और फिर हम लोग मेट्रोलॉजिकल एग्रो एडवाइजरी हम लोग रिलीज करते हैं. सो रिसर्च इन एग्रोमेट्रोलॉजी वॉज इनिशिएटेड बाई क्रॉप वाइज इन ICRISET इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक. यहाँ पे हर क्रॉप का वेदर के साथ क्या इम्पैक्ट है, वेदर का क्या इम्पैक्ट है क्रॉप पे, उसको स्टडी करना है वहाँ पे स्टार्ट किया. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO ये जो भी है वो एक जितने भी मेट्रोलॉजी ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं उनका एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन है और ये एस्टेब्लिश लोकेटेड है इन जेनेवा. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डे फॉल्स ऑन एवरी 23rd March एंड सेलिब्रेट द मेट्रोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरी ईयर. हर साल 23rd March को हम लोग वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डे ऑर्गेनाइज करते हैं. नाउ द कम टू द टॉपिक दैट इज एग्रोमेट्रोलॉजी. व्हाट इज एग्रोमेट्रोलॉजी? इट इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस डील्स विद द फिजिकल एंड डायनामिक प्रोसेस विद क्रॉप ग्रोइंग एनवायरनमेंट और साइंस नीड कॉम्बिनेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड मेट्रोलॉजी. सो दिस इज द एग्रीकल्चर एग्रोमेट्रोलॉजी और एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी. क्लाइमेट एंड वेदर बोथ आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम. अकॉर्डिंग टू WMO इट इज ए साइंस इन्वेस्टिगेटिंग द मेट्रोलॉजी क्लाइमेटोलॉजिक एंड हाइड्रोलॉजिक कंडीशंस विच आर सिग्निफिकेंट फॉर एग्रीकल्चर ओइंग टू देयर इंटरैक्शंस विद द ऑब्जेक्ट एंड प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. सो इट इज अ ब्रांच ऑफ मेट्रोलॉजी विच इन्वेस्टिगेट्स द रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल टू द फिजिकल एनवायरमेंट. प्लांट्स और एनिमल, इसमें एनिमल के बारे में भी हम स्टडी करते हैं और एज वेल एज प्लांट के बारे में भी स्टडी करते हैं कि इन प्लांट का और एनिमल का, वेदर का प्लांट और एनिमल पे क्या इफेक्ट होता है, क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं. दैट इज नोन एज एग्रोमेट्रोलॉजी. सो व्हाट इज द एम ऑफ द एग्रोमेट्रोलॉजी? प्राइमरी एम इज टू एक्सटेंड द फुली यूटिलाइज द नॉलेज ऑफ एटमोस्फेयर एंड अदर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ टू ऑप्टिमाइज द सस्टेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अंडर वेरिंग क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन.
मेन इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि किसी समय अगर ड्रॉट आ गया या बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो हमारा प्रोडक्शन है वो सस्टेन नहीं हो पाता है, अस्थाई नहीं हो पाता है। तो इसलिए इस प्रोडक्शन को अस्थाई करने के लिए जो हमारा सस्टेनेबल प्रोडक्शन चलता रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने जो एटमॉस्फेयर का नॉलेज है और उससे रिलेटेड जो प्रोसेस है उसका फुल्ली यूटिलाइज हम उसमें करें टू ऑप्टिमाइज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी, करेंट सिनेरियो में अगर देखें तो हमारे पास टोटल अभी 143 मिलियन हेक्टेयर हमारा नेट कल्टिवेटेड एरिया है। अगर इसको कितना भी बढ़ा दें, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया हमारा 328 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से कि 143 मिलियन हेक्टेयर में हम कल्टिवेशन करते हैं। अगर कितना भी इसको बढ़ाएंगे हम तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 145 मिलियन हेक्टेयर जा सकता है। सो बट द पॉपुलेशन क्या है हमारा, ये इंक्रीज कर रहा है, तो उतने बड़े पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए हमें इसका प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। सबसे पहला कि हमारा जो एरिया है उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं, बट हमारा जो कल्टिवेशन है उसको पर हेक्टेयर बेसिस पे इंक्रीज करना होगा। सेकेंड क्या है, रेनफेड एग्रीकल्चर एक बहुत रेनफेड एग्रीकल्चर में जहाँ पे वर्षा आधारित खेती होती है, ये कंटिन्यू टू बे मेजर मोड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट पर यूनिट एरिया इन द रेनफेड एग्रो इकोसिस्टम इन मस्ट। तो जितना भी रेनफेड एग्रीकल्चर है जो कि रेनफॉल पे आधारित होती है, वहाँ का प्रोडक्शन कैसे सस्टेन हो, इसके बारे में भी हम इसमें देखते हैं कि कैसे हम इसको सस्टेनेबल बना सकते हैं। सो ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट वेरिएबल ऑन द रेट ऑफ डेवलपमेंट ग्रोथ एंड इल ऑफ द रेनफेड क्रॉप एंड फॉर डेवलपिंग इम्प्रूवमेंट मेथड ऑफ मैनेजिंग वेदर एंड क्लाइमेट रिस्क इज नीडेड। सो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन कि एग्रोमेट्रोलॉजी क्या है। एग्रोमेट्रोलॉजी में इंटर डिसिप्लिनरी साइंस, इसमें बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट आपके जैसे एग्रोनॉमी है, सोयल साइंस है, एनिमल हस्बेंड्री है, ये सारा चीज़ इसमें इकट्ठा आता है। इन सभी पे वेदर का क्लाइमेट का क्या इफेक्ट है उसी को हम स्टडी करते हैं एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी में। सो प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है, इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी कहाँ कहाँ से, अगर इनको चार पाँच पॉइंट में अगर दें तो सबसे पहला जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, दैट इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट और अवॉइडेंस ऑफ एडवर्स क्लाइमेटिक रिस्क। जैसे मान लीजिए ड्रॉट आ गया, सॉयल इरोजन है, वाटर एंड विंड है, फ्रॉस्ट है, पेस्ट एंड डिजीज इंसिडेंस है, इन सब के कंडीशन में कैसे हम इस एडवर्स क्लाइमेटिक रिस्क को प्रोटेक्शन कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं, ये हमारा पहला प्रैक्टिकल यूटिलिटी है। सेकेंड है, इट प्रोवाइड्स गाइडलाइन फॉर लॉन्ग रेंज और सीजनल प्लानिंग। अगर जैसे अभी इस साल मानसून का की बात चल रही है, तो अभी से ही हमको पता है कि मानसून जो आने वाला है वो नॉर्मल रहने का कंडीशन है, तो फार्मर्स जितने भी हैं वो उसी हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं कि किस तरह हमारा मानसून का पीरियड रहेगा और किस तरह से हम उसमें कल्टिवेशन कर सकते हैं, कौन कौन सा क्रॉप लेना होगा। अगर मानसून वीक होगा तो हम उसको बोल सकते हैं कि नहीं मानसून वीक है, आप राइस ना लेकर के दूसरा अदर क्रॉप्स आप ले सकते हो। सो चॉइस ऑफ क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर मीन्स वेदर एग्रोमेट्रोलॉजी और एग्रोक्लाइमेटोलॉजी। सो इट प्रोवाइड्स अ गाइडलाइन फॉर लॉन्ग रेंज और सीजनल प्लानिंग एंड सेलेक्शन ऑफ क्रॉप मोस्ट सुटेड टू एंटीसिपेटेड क्लाइमेटिक कंडीशन। किस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन रहेगा उसके उसमें कौन सा सबसे ज़्यादा सुटेबल क्रॉप होगा उसके बारे में भी इसमें स्टडी करते हैं। वेदर इलेमेंट विच इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर ऑपरेशन एंड क्रॉप प्रोडक्शन कैन वी फोरकास्ट फॉर डिफरेंट टाइम स्पेन। जो भी किस तरह का हमारा आने वाला मौसम रहेगा उसके लिए डिफरेंट टाइम स्पेन में हम वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं, ये भी हमारा प्रैक्टिकल यूटिलिटी। जैसे हमने बताया कि लॉन्ग टर्म वेदर फोरकास्ट होता है, शॉर्ट टर्म वेदर फोरकास्ट होता है, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट होता है, नाउ फोरकास्टिंग होता है जो कि विद इन टू आवर्स में, जैसे सुनामी आया था जापान में या कोई इस तरह का थंडर स्टॉर्म है, ये सब विद इन टू आवर में हम इसको फोरकास्ट करते हैं। तो ये सब इसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी है। एंड बेस्ड ऑन द फोरकास्ट डिसीजन कैन बी टेकन इन एडवांस इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन एंड प्लानिंग। सो दीज आर द मेन प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी।
Now the use of agrometeorological method, अब agrometeorological methods जो भी हैं उसको कहाँ कहाँ हम use करते हैं. First efficient land use planning, next determination of suitable crops for a region, irrigation control, soil and water conservation, amelioration of field climate, production or harvest forecast and adoption of the most appropriate agronomic and cultural practice in crop production. What is the future thrust? Future में क्या हम कर सकते हैं इसमें एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी में फ्यूचर थ्रस्ट क्या है. सबसे पहले है ग्रीन हाउस एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल क्लाइमेटिक स्टडी. कंट्रोल क्लाइमेटिक कंडीशन में वेदर, जैसा कि हम जान रहे हैं कि हम इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये चेंज होता रहता है, चेंज होगा भी. तो एक कंट्रोल क्लाइमेटिक कंडीशन में किसी क्रॉप को कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना रेनफॉल वाटर का रिक्वायरमेंट है, कितना सनशाइन आवर चाहिए, कितना विंड स्पीड चाहिए, ये सब अगर कंट्रोल क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर हम स्टडी करते हैं तो ये हमारा फ्यूचर थ्रस्ट होगा. एंड बायो क्लाइमेटोलॉजिकल मॉडल्स, बहुत सारे ऐसे मॉडल आ गए हैं जैसे जो हम अभी फील्ड में एक्सपेरिमेंट लगाते हैं, 3 साल 4 साल पर हम उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, तब तक हमें पता चलता है मौसम बदल गया. तो ऐसा ना करके बहुत सारे मॉडल्स आजकल इस तरह से आ गए हैं, सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसमें कि आप क्या क्या वेदर का कंडीशन हो सकता है, एंटीसिपेटेड वेदर कंडीशन क्या क्या हो सकता है और उसमें किस तरह का हम एग्रीकल्चर ऑपरेशन करेंगे तो क्या हमारा यील्ड आएगा, किस तरह का हमारा प्रोडक्शन होगा, ये हम विद इन एन आवर हम निकाल सकते हैं. तो ये बायो क्लाइमेटोलॉजिकल मॉडल्स के थ्रू भी ये हमारा फ्यूचर थ्रस्ट है, किस तरह से हम अपना प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. अदर एरिया आर आइडेंटिफिकेशन एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रॉट, वाटर बैलेंस एनालिसिस, सॉयल माइक्रो क्लाइमेट एंड एग्रो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन. इज द नेचुरल रिसोर्सेज इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर, प्लांट इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर क्लाइमेट, सोलर रेडिएशन, लैंड, सॉयल बायोडाइवर्सिटी, रेनफॉल. एग्रो क्लाइमेट इन्फ्लुएंस क्रॉप ग्रोथ, क्रॉप यील्ड एंड सस्टेनेंस. वेदर एबनॉर्मलिटी क्या क्या हो सकता है, जैसे फ्लड है, ड्रॉट है, हेल स्टॉर्म, फ्रॉस्ट, हाई विंड. This may lead to the low or even no yield. Other weather hazards are heat and cold waves, pest and disease incidence, wind damage. So what are the standard weather parameter जो कि हम हमेशा यूज करते हैं, स्टैंडर्ड वेदर पैरामीटर क्या क्या. सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मॉर्निंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इवनिंग ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, रेनफॉल, सनशाइन आवर, इवेपोरेशन. और भी दूसरे यूजफुल पैरामीटर्स हैं, अगर माइक्रो क्लाइमेट की बात करते हैं तो उसमें ये सब यूज होगा, जैसे सॉयल टेम्परेचर, लीफ वेटनेस, ड्यू फॉल, लो एंड हाई टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्यूरेशन, रेनफॉल ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी. रेनफॉल ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी से यह है कि अगर मान लीजिए एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो सॉयल इरोजन का इसमें प्रॉब्लम हो सकता है. सो ये सब जितने भी हैं ये स्टैंडर्ड वेदर पैरामीटर्स हैं. नेक्स्ट इज द, और इसके बारे में अगर जानकारी है तो हमारे यहाँ ऑब्जर्वेटरी है ऑलरेडी यहाँ पे, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन कौन से वेदर पैरामीटर को ऑब्जर्व किया जाता है मैन्युअली और किस तरह से डाटा उसमें से रिट्रीव करते हैं हम लोग और उसका हम लोग डे टू डे किस तरह हम यूज करते हैं अपने क्रॉप प्रोडक्शन में. नाउ द एलिमेंट एंड फैक्टर ऑफ क्लाइमेट, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड फैक्टर्स. एलिमेंट विच कॉन्स्टिट्यूट ए मैटर, जो किसी भी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूट करता है, बनाता है, दैट इज नोन एज एलिमेंट. सो वेदर को जो बनाता है दैट इज एलिमेंट. सो कंपोनेंट विच मेकअप द एटमॉस्फेरिक कंडीशन टू कॉन्स्टिट्यूट वेदर दैट इज नोन एज एलिमेंट. व्हाट इज एलिमेंट, जैसे टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, सनशाइन आवर है, ये सारा जितने भी हैं कंपोनेंट्स ये वेदर को बनाते हैं. टेम्परेचर हाई होगा, कम होगा, रेनफॉल ज़्यादा है या कम है, इन सब चीज़ों को बनाते हैं. सो दिस इज नोन एज एलिमेंट. एंड एलिमेंट आर वेरी फ्रिक्वेंट फ्लक्चुएटिंग, ये फ्लक्चुएट करता है, सुबह टेम्परेचर कुछ रहेगा, शाम में कुछ रहेगा, दोपहर में कुछ रहेगा, रेनफॉल भी वेरी करता है. एंड कंस्टिट्यूट द क्लाइमेट, और अगर इसका लॉन्ग टर्म एवरेज ले लेते हैं तो ये एक क्लाइमेट को कंस्टिट्यूट करता है. फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउड ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी लाइक दैट. फैक्टर क्या है, व्हाट इज द फैक्टर दैट फोर्स और क्रिएट मॉडिफाई द एलिमेंट. अगर मान लीजिए कि दो प्लेस सेम लैटिट्यूड पे है
बट एक का एलिवेशन हाई है, दूसरा प्लेन में है, तो दोनों के टेम्परेचर में अंतर होगा. प्लेन वाला का टेम्परेचर हाई रहेगा, सेम लैटिट्यूड पर और हाई अल्टीट्यूड पर रहने के कारण जो टेम्परेचर है हाई अल्टीट्यूड पे उसका टेम्परेचर कम होगा. सो यहाँ पे कौन मॉडिफाई किया इसको, फैक्टर मॉडिफाई किया. और फैक्टर क्या था, जैसे अल्टीट्यूड था, अल्टीट्यूड मीन्स हाइट फ्रॉम द मीन सी लेवल. सो फैक्टर द फोर्स विच क्रिएट और मॉडिफाई दीज एलिमेंट्स, जो इन एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर देता है, दैट इज नोन एज फैक्टर. फैक्टर स्टैटिक होता है. अब जैसे रांची का एलिवेशन कितना है, 625 मीटर फ्रॉम मीन सी लेवल, ये स्टैटिक है इसका. और इसके कारण यहाँ का जो वेदर है वो मॉडिफाई होता है. सो इट इज ए स्टैटिक फैक्टर, रेगुलेट दिस फ्लक्चुएशन, जितना भी फ्लक्चुएशन होता है टेम्परेचर में रेनफॉल में इसको रेगुलेट करता है, मॉडिफाई करता है. फॉर एग्जाम्पल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अल्टीट्यूड डिस्टेंस फ्रॉम सी डायरेक्शन ऑफ माउंटेन ओशन करेंट्स विंड स्पीड एंड डायरेक्शन वेजिटेशन सॉइल टाइप कलर टोपोग्राफी एक्सेट्रा, ऑल दीज कम्स अंडर द फैक्टर्स ऑफ द क्लाइमेट. सो थैंक यू, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द एग्रोमेट्रोलॉजी. थैंक यू.